थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला टाइप सारा डाटा देगा, DOL, DFL और DCL बोलेगा निकालने के लिए, वो हो गया। सेकंड, आपको DOL, DFL ये सब दे देगा और स्टेटमेंट बोलेगा बनाने के लिए। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बुक से कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 पेज पलटिए। प्रॉब्लम नंबर 17 जहां पर ईपीएस तक गया है, ईपीएस और लोग बाद में निकालने के लिए ईपीएस सीखेंगे, ठीक है। अब आइए थर्ड टाइप, प्रॉब्लम नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है DOL, DFL एंड DCL। ये थर्ड टाइप क्या होता है जरा बढ़िया से समझो। यहां पर सिचुएशन दिया रहेगा और कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिया रहेगा। अब एक वर्ड आ गया कैपिटल, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स है क्या? कैपिटल आप लायबिलिटी साइड में देखते होंगे, जो कैपिटल आप रखते हैं, कैपिटल में आपका बहुत कुछ रख सकते हैं। कैपिटल में इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल आ जाता है। कैपिटल में आप क्या क्या रख सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, आप बोरोड कितना करेंगे, तो इसको स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। आगे एक अलग चैप्टर ही है कैपिटल, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बट यहां पर यह समझिए कि स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ कि आप कैसे कैसे आपके पास कैपिटल है, अपना कितना है इक्विटी शेयर, कितना प्रिफरेंस शेयर है, क्योंकि अगर इक्विटी रहेगा प्रिफरेंस रहेगा, और बोरोड का मतलब डिवेंचर या लोन, तो उसके आगे परसेंटेज रहेगा। इसी को स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। और यहां पर देखेंगे क्या आपको बता रहा है, कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL। ये थर्ड टाइप में हमेशा याद रखेंगे कि आपको सिचुएशन दिया रहेगा और कैपिटल का स्ट्रक्चर दिया रहेगा। देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 75% ऑफ द कैपेसिटी। तो देखो आपके कैपेसिटी थे 4000 यूनिट, बट एक्चुअल जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड सेल्स 75% है कैपेसिटी का, तो 4000 का 75% 3000, उतना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट, तो अभी आपको यूनिट तो निकल ही गया, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट देखेंगे। आप सिचुएशन में चेंज कर दिया, पहला सिचुएशन कोई होगा जहां पर फिक्स कॉस्ट 15,000 लगेंगे, एंड सेकंड सिचुएशन भी है कोई, अगर हम उस तरह से करेंगे तो 20,000 लगेगा। तो अभी आप जानते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, पीबीआईटी। तो पीबीआईटी और कंट्रीब्यूशन आ गया, हम लोग क्या निकालते हैं, DOL। तो यहां DOL देखिए निकल गया, सिचुएशन वन सिचुएशन टू। इसके बाद देखेंगे सेल्स वेरिएबल माइनस हो गया, फिक्स कॉस्ट भी माइनस हो गया, पीबीआईटी आ गया। अब पीबीआईटी यहां दो दो आ गया, एक सिचुएशन वन का आ गया, एक सिचुएशन टू का आ गया। इसके बाद देखो कैपिटल स्ट्रक्चर्स में प्लान है, प्लान ए। प्लान ए में आप सोच रहे हैं कि 10,000 का इक्विटी रखेंगे और 10,000 का डेब्ट रखेंगे, मतलब डिवेंचर रखेंगे, तो इंटरेस्ट आई माइनस होगा, 10,000 का 20% माइनस होगा 2,000। लेकिन अगर आप दूसरा सोच रहे हैं कि नहीं, हम 15,000 का रखेंगे इक्विटी और सिर्फ 5,000 रुपए का डिवेंचर इश्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। तो देखो ऊपर में दो सिचुएशन तैयार हो गया और दो सिचुएशन के अंदर में यहां दो दो प्लान हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे जितने सिचुएशन रहेंगे वो ऊपर छूट जाएंगे, जितना प्लान रहेगा, अगर दो सिचुएशन है दो प्लान है तो नीचे चार होगा, सिचुएशन दो दो है और प्लान अगर तीन है तो 3×2=6 हो जाएगा। तो अब जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक बात को पूरा समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करो शुरू करो, प्रोडक्शन कितना है दिखा दीजिए, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स फोर थाउजेंड यूनिट्स का 75,000, तो कैसे आया 3,000 यूनिट, ये आपको बताना होगा।
स्टेटमेंट तैयार करो, साथ साथ कॉपी कर लेना, ठीक है ना। लिख दीजिए थर्ड टाइप, तो ये तीन ही टाइप का आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां जाके ये खत्म हो जाएगा। और इस बार ना कोई एब्सेंट मत करना, हर एक क्लास में आप लाइव क्लासेस देख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में तो आपके पास ऑप्शन है ही, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ लेवरेज, अलग अलग कंपनी नहीं दिया हुआ है, ये नहीं कि ए बी सी तीन कंपनी दिया हुआ है, कंपनी एक ही तो है, बट वो दो सिचुएशन में काम करना चाह रहा है। जैसे अब अगर आप भी बिजनेस करेंगे तो आप सोचेंगे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, सिचुएशन बहुत सारे आते हैं, तो यहां पर भी सिचुएशन पहले दो है, यहां पर लिखा भी है, देखिए सिचुएशन वन सिचुएशन टू। कितना दिया हुआ है सेल्स, थ्री थाउजेंड यूनिट्स, ये तो हम लोग देखे ही, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए 30 दिया हुआ है। इंटू 30 तो कितना हो गया, लेस थ्री थाउजेंड यूनिट्स इंटू कितना करके दिया हुआ है, 40 सेल्स माइनस वेरिएबल, लेस क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। देखिए आपको पहला का दिया हुआ है कितना, दो सिचुएशन दिया हुआ है, कंपनी एक ही है, बोलता है अगर पहला सिचुएशन में काम करोगे तो आपको 15,000 लगेगा एंड सेकेंड वन 20,000 लगेगा। क्या आ गया पीबी, एक बात का ध्यान रखना, जब भी सिचुएशन वाले सम्स आएंगे, यहां दो ही सिचुएशन दिया हुआ है, तीन सिचुएशन नहीं हो सकता था क्या, तीन हो सकता था, तो सिचुएशन वन टू थ्री कर देते। अब हम यहां से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, आप कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। पहला हम लोग को क्या बोला निकालने के लिए, तो यहां से डोल निकालिए, फॉर्मूला बोलिए। अब देखो अंदर में आप सी लिखेंगे डिवाइडेड बाय 30,000 करेंगे, इससे अच्छा आप या तो डायरेक्ट कीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो सी का अमाउंट लिखिए, पीबीआईटी लिखिए और आ जाएगा कितना आएगा 1.5। यहां पर वापस सी लिखिए कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1. एकदम एग्जैक्ट आया है, ये एक पार्ट खत्म हुआ। ध्यान से सारे बातों को वापस से समझ लीजिए, जब सिचुएशन वाला बात बोलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल फिक्स पीबीआईटी आ गया, अब हम डीओएल तो निकाल ही सकते हैं,
तो हम लोगों ने यहीं पर डॉल निकाल दिया। अभी भी दो चीज बोला है निकालने के लिए, DFL और। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि PBIT में से इंटरेस्ट माइनस होगा, बट अब हम लोग यहां पर दो प्लान रखना चाहते हैं। हम अपने जो कैपिटल है, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर्स है, उसमें दो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बना लिया। पहला स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाया है जिसको प्लान ए नाम दिए हैं, उसमें 10,000 का इक्विटी और 10,000 का डिवेंचर रखना चाहते हैं, और एक का प्लान बी हम लोगों ने नाम दिया है जिसमें 15,000 का इक्विटी और 5,000 का डिवेंचर रखे हैं। वापस ये नीचे में उतरेगा, अब दो सिचुएशन यहां से तैयार हो रहा है, सिचुएशन वन सिचुएशन टू था। अब सिचुएशन वन में दो प्लान है, अब देखेंगे अगर ऊपर में दो ही सिचुएशन रहेगा, नीचे में अगर प्लान तीन रहेंगे तो सिचुएशन वन लिख के प्लान ए बी सी हम लोग लिखेंगे, बट यहां पर अभी दो है, सिचुएशन वन और ये सिचुएशन टू। इसके नीचे फिर हम लोग लाइन खींचे, दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, सिचुएशन वन टू सी रहता तो सी भी लिख देते। यहां से PBIT जो आया था उसको लिख दीजिए, ये देखिए यहां ध्यान से देखो जी, अब थोड़ा समझ लो यहां के बाद। PBIT सिचुएशन वन का बोर्ड की तरफ देखेंगे, यहीं पर आके स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और थर्ड टाइप तो शायद ऑनर्स में तो हर एक बार ही आया है। देखो PBIT सिचुएशन वन का ये 30,000 हम दोनों में लिखेंगे, इसी तरह से सिचुएशन टू का जो PBIT है 25,000 और यहां पर लिखेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन। अब जरा सा देखिए प्लान ए को देखिए, प्लान ए में कितने रुपए का डिवेंचर है, 10,000 का, 10,000 का कितना परसेंट, तो 2,000 हुआ, 2,000 हुआ। और ये देखिए प्लान बी में 5,000 रुपए का डिवेंचर है, कितना परसेंट। फिर जब सिचुएशन टू में जाएंगे बात बराबर आएगा, यहां पर भी हम लोग कितना लिखेंगे, आ गया PBT 28, 29, 24। अब आपको दो चीज बोला है निकालने के लिए, DOL तो यहां निकाल दिए थे, अब B नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, DFL फॉर्मूला क्या होता है, PBIT डिवाइडेड बाई, लिखने का दरकार नहीं है, यहीं से देखिए PBIT कितना है और PBT कितना है, यानी ये 30,000 को डिवाइड करेंगे कितना से, इसी तरह से ये 30,000 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो यहीं से हम लोग डिवाइड करके लिख नहीं सकते हैं, वापस से फिर यहां लिखेंगे तो कितना खिचबिच हो जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए एक प्लान और भी रहता और एक और सिचुएशन और भी रहता, तो सोच के देखिए तीन प्लान, अगर तीन सिचुएशन रहेगा और एक में अगर तीन तीन प्लान है तो 9 हो जाता, उतना लिखने का दरकार नहीं है, यहीं से आप डिवाइड करो कितना आ रहा है बोलो, 1.0। ठीक है, इसको आपने किया तो कितना आया, 1.0345। तो जब यहां चार ले रहे थे, यहां एक और ले लीजिए, कितना आ रहा था,
इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 को 24 से कर रहे तो कितना आ रहा है, बात आ गया समझ में? देखिए कहां से कहां तक आप कर रहे हो, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी। अब आप 30 डिवाइड बाई 28 लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके लिख सकते थे, 30,000 स्लेस देके 28,000। अब क्या हो गया, DCL फॉर्मूला बिठा दो इसमें, क्योंकि इनटू अगर हम करेंगे ना तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। क्या फॉर्मूला था, सी डिवाइडेड बाई पीबीआईटी। पीबीआईटी कट गया तो कट जाने से बचा क्या आपके पास, सी और पीबीटी। अब एक एक करके देखो ना, सी यहां पर है, सिचुएशन वन का 45 और सिचुएशन वन में ही है तो 45 ही रहेगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे आप, पीबीटी। तो आप 45,000 को डिवाइड बाई एक बार 28,000 कीजिए, और फिर एक बार 45,000 को डिवाइड बाई, इसी तरह से जब यहां जाएंगे तो यहां भी कंट्रीब्यूशन 45 ही है, तो 45 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 1.60। यहां बोलो, अभी शायद मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था देखे होंगे, क्या लिखे थे आप बोल रहे हैं कि यहां पर लिख दीजिए DOL इंटू, अरे DOL इंटू DFL करेंगे तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जब हम लोग सिंगल सिंगल निकालते हैं तो बहुत अच्छा है। यहां पर आपको हम नहीं बताए थे कि फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग C डिवाइड बाई, फॉर्मूला निकालिए एक बार, फॉर्मूला निकालो, देखेंगे आपके पास बहुत सारे कलर के पेन होते हैं, कहां पर क्या यूज करना है यह आप अपना सेंस से यूज करते हैं। फॉर्मूला यहां दो है, अगर यहां पर DOL इंटू DFL करेंगे तो आपको इंटू करने में दिक्कत आएगा, लेकिन अगर सी डिवाइड बाई पीबीटी करेंगे तो आपको यहां से दिख रहा है सी 45,000, पीबीटी इसका दिख रहा है 28, फिर 25 सिचुएशन 29। जिस समय हम बोर्ड भी समझाते हैं उस समय आप खोए हुए रहते हैं, पहले कुछ बन जाइए फिर खो जाइएगा, लेकिन जब तक नहीं बने हैं तब तक अगर खो जाएंगे तो आप मिट जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। मोटिवेशन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि मोटिवेशन आपको माथुर सर फर्स्ट क्लास से ही बोलता आया है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आप पढ़ते हो क्या, नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो कोई बोलता है क्या पढ़ने के लिए, नहीं। आप पढ़ते हैं कि नहीं, पागल की तरह पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इंसान सेव होना चाहता है जी हर वक्त, जब उसको नीड होता है, जब उसको जरूरत पड़ता है। यहां पर जैसे ही मैंने सी डिवाइड बाई पीवीटी लिख दिया आप घबरा गए, जबकि अगर आप मेरे को बताओ DOL इंटू DFL करेंगे तो आपको इंटू करने में दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, बट देखिए यहां सी डिवाइड बाई पीवीटी करेंगे तो सी सिचुएशन वन का 45,000 डिवाइड बाई पीवीटी दिख रहा है 1.5518। इसका बताओ, इसका बताइए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका था लेवरेज, और लेवरेज सारे कंप्लीट, घर पे आप अपने अपने ईयर्स को बनाना, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है।